हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर फिजिक्स लैब। टुडे इन क्लास 12th वी विल परफॉर्म प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हमें एक प्राइमरी सेल गिवन होगा और हम यहाँ पे लेंगे लैक्लांसी सेल और इसका हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। तो क्या क्या ऑपरेटर्स अपने को चाहिएगे, पोटेंशियोमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, टू वन वे की, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, एमीटर और लैक्लांसी सेल। इसी का अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, कनेक्शन वायर, सैंड पेपर। तो इन सभी को जो है हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। अब हम थ्योरी की बात करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज़ गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है अपना स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ पे L1, L2 और कैपिटल आर का क्या मतलब है, तो L1 का मतलब है अपनी बैलेंसिंग लेंथ जब अपनों ने शंट नहीं लगा रखा है यानी विदाउट शंट, और L2 का मतलब है बैलेंसिंग लेंथ जब अपनों ने शंट लगा रखा है यानी विथ शंट, और यहाँ पे अपना क्या है, R का मतलब है शंट रेजिस्टेंस कितना है। तो फॉर्मूला को देख के सिंपल से पता चल रहा है कि अपने को L1 में से L2 माइनस करना है, यानी अपनी L1 क्या होगी, ज़्यादा होगी, और L2 क्या होगी, कम होगी। और पूरे प्रैक्टिकल के अंदर अपनी L1 जो है सेम रहेगी और L2 की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। यानी जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो अपनी क्या होगी, L2 की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जो अपना फॉर्मूला है इसके पीछे की थ्योरी को अपन समझ लेते हैं ताकि अपने को वाइवा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़े। तो ये मैंने सर्किट बना रखा है, इसको समझ लेते हैं। तो ये एक सेल है और ये इसका प्लस और ये इसका माइनस, और ऊपर मैंने लिख रखा है ई। अब ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, और वी का मतलब होता है वोल्टेज। अब ई और वी के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो ई क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। अब होता क्या है, तो ये भी क्या होता है, सेल जो होता है अपना, उसकी टर्मिनल वोल्टेज होती है और ये भी टर्मिनल वोल्टेज होती है। और ऐसा ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो ये जो वोल्टेज है उस वक्त होती है जब सेल से अपन कोई करंट नहीं ले रहे, और इसमें क्या हो रहा है, तो जब अपन सेल से बाहर की तरफ करंट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस R बनता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वोल्टेज कम आ रही है। तो यूँ समझ सकते हैं कि E का मतलब EMF क्या होता है, एक ऐसा सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है। यानी जो अपने पास सेल है अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम ज़ीरो कर दें, यानी हम उसको इतना अच्छा बनाएं कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो है, तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ सर्किट के अंदर ई वोल्टेज सप्लाई करेगा, लेकिन करता नहीं है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये अपना आइडियल सेल हो गया और ये रियल सेल हो गया। तो एक ही सेल तो एक ही है, अगर वो आइडियल कंडीशन में वर्क कर रहा है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज आ रही है ई, अगर वो रियल कंडीशन में है यानी उसके अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है, तो उसकी वोल्टेज कम हो जाती है। तो ई और वी अपना क्लियर हो गया, और तो इसको हम हटा देते हैं और देख पा रहे हैं ये अपना एक आइडियल सेल समझ सकते हैं आप, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है। और ये क्या कर रखा है, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखा है, यानी ये क्या हो गया, अपना रियल सेल हो गया। यहाँ इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो अपन वोल्टेज चेक करेंगे वो रियल वोल्टेज ही आएगी वी, और यहाँ अगर देखेंगे इन दोनों टर्मिनल के बीच में तो ये वोल्टेज कितनी आएगी, ई आएगी, इसको बोलेंगे अपन EMF। और अगर यहाँ चेक करते हैं तो ये अपना रहेगी वी, या फिर यहाँ चेक करें बात बराबर ही है। और ये क्या कर रखा है, हमने बाहर की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, नाइग्रम वायर या अपना कुछ भी LED वगैरह जो भी हम लगा सकते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, बंद सर्किट हो गया है। और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, प्लस से माइनस की ओर, तो ये सेल का प्लस है और आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे के अंदर इस तरह से। अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, किरचॉफ का सेकंड रूल लगाते हैं, बंद सर्किट के अंदर एक डायरेक्शन में चलने पर सभी जो अपने पास वोल्टेज है उसका सम कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो इधर से अपन चलते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस ई, जिधर से अपन आउट होते हैं वो अपने को साइन लेना है। तो इधर से चल रहे हैं प्लस का ई, और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस माइनस होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि बैटरी का प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस, तो हम इधर से आउट होंगे माइनस की तरफ से, यूँ चल रहे हैं तो माइनस से अंदर माइनस से हो जाएगी अपने पास वोल्टेज IR, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने पास R है और करंट अपने पास हो रहा है I, तो ये वोल्टेज हो जाएगी माइनस IR। उसके बाद अपन यूँ चल रहे हैं, और इसके बाद ये यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बैटरी का माइनस और ये अपना प्लस, तो ये करंट भी प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है, तो माइनस से हम आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस IR स्मॉल R। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर का हमने रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखा है, ये यूँ समझ सकते हैं कि ये अपना सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, बराबर में कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो इनको उधर भेज देते हैं, तो ई
माइनस आई आर इज इक्वल टू आई आर, मैंने क्या किया इंटरनल रेजिस्टेंस के वाली जो वोल्टेज थी उसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस में हो गई। और अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर मैं लिखना चाहूँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर, इस फॉर्मूले को अपन को यूज़ में लेना है और अपने को क्या करना है आई को हटाना है। तो जहाँ जहाँ आई है उसको अपने को हटा करके वोल्टेज लाना है। तो किस तरह से ला सकते हैं, ये तो अपना सिंपल हो गया ई माइनस वी, क्योंकि आई आर इज इक्वल टू हो जाता है वी इज इक्वल टू आई डिवाइड इंटू आर। और इसको मैं अगर डिवाइड में भेज दूँ तो अपने पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइड बाई आई। अब आई का मतलब क्या हो गया अपना, आई का मतलब होता है वी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, एक स्टेप और लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइड बाई आई का मतलब हो जाएगा अपने पास वी डिवाइड बाई आर वी, और इनटू में हो जाएगा अपने पास आर ऊपर आ जाएगा। तो ये अपने पास रिलेशन बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इसकी हेल्प से अपन ये वाला रिलेशन लाते हैं, देखो इसको हटा देते हैं बाकी सबको। यहाँ पे अपना पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगेगा। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो अपना जो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है 10 मीटर लंबा, उसके ऊपर क्या करते हैं अपन वोल्टेज लगाते हैं बैटरी लिमिटर की हेल्प से। कितनी लगाते हैं, तो नॉर्मली अपन 4 वोल्ट या 6 वोल्ट लगाते हैं। तो वो जो वोल्टेज है पूरे 10 मीटर के वायर पर क्या होती है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यही क्या इसका प्रिंसिपल है। तो यानी क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज अपनों ने अप्लाई की वो क्या होती है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे वायर के ऊपर। तो टोटल वोल्टेज अपनों ने लगाई थी V और वायर की लेंथ अपने पास कितनी है L। तो यानी अपना क्या हो गया, जो वायर की पर लेंथ है यानी पर सेंटीमीटर वायर है उसके ऊपर क्या होता है वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियोमीटर कॉन्स्टेंट, या अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, यानी पर लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल आ रहा है। इसी तरह से अपना ग्रेडियंट की बात करें तो एक अपने पास हीट ग्रेडियंट भी होती है, यानी पर लेंथ के ऊपर कितनी हीट आ रही है। तो ये क्या होता है पोटेंशियोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। और इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज अपन पता कर सकते हैं। अगर अपने को पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है और लेंथ कितनी आ रही है बैलेंसिंग लेंथ, तो अपने पास ये रिलेशन आ जाता है वोल्टेज के लिए। और जब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि जब सेल के पैरेलल के अंदर अपन शंट नहीं लगाते हैं तो वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस करने वाली लेंथ आती है। तो उसके लिए अपन लिखते हैं कि E इज इक्वल टू एक्स एल वन, यानी वो फर्स्ट लेंथ आती है एल वन। और जब अपन शंट लगाते हैं तो जो सेल है उसके लिए अपन बोलते हैं वोल्टेज, और उसके लिए लेंथ आती है एल टू। तो वोल्टेज के लिए हो जाएगा एक्स एल टू। अब ये अपने पास E और V की वैल्यू अपन इसके अंदर रखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, E की जगह मैं लिख देता हूँ L1, और X अपना कॉमन आ जाएगा माइनस, चलो एक बार मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो R इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा E की जगह आ जाएगा X L1 माइनस V की जगह आ जाएगा X L2 डिवाइड बाय V की जगह आ जाएगा X L2 into R। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन X ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके कट कर देंगे तो अपने पास फाइनली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा L1 माइनस L2, ये अपना L2 डिवाइड बाय L2 into R। तो ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, आराम से जो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है इसको अपन सीट पर चल कर परफॉर्म करते हैं। यस, तो अब हम आ गए अपनी सीट पे। तो पहले हम जो है सर्किट को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये वायरिंग किस तरह से की जाती है इसको हम सीख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है अपने को कनेक्शन जो है बैटरी से स्टार्ट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बैटरी का माइनस कहाँ जा रहा है। तो बैटरी का माइनस जा रहा है की के अंदर, और ये की से होता हुआ अपना मिली एमीटर हमने लगा रखा है यहाँ पर, और ये माइनस से होता हुआ प्लस में आता है, और उसके बाद ये अपना आ जाता है रियोस्टेट के अंदर, और फिर रियोस्टेट से होता हुआ अपना जो पोटेंशियोमीटर है इसके लास्ट वाले पॉइंट पे जाके कनेक्ट होता है, यानी ये अपना माइनस वाला कनेक्शन पूरा होता है। और जो बैटरी का प्लस वाला है वो क्या होता है, डायरेक्ट जाता है अपने पोटेंशियोमीटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी ये जो 10 मीटर लंबा वायर है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके ये अपना प्लस वाला वायर कनेक्ट हो जाता है। और नीचे की तरफ अपनों को देखना है कि किस तरह से ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये अपना प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया।
और जो नीचे वाला कनेक्शन है तो यहाँ पे अपनों ने ले रखा है लेकलांसी सेल, ये लेकलांसी सेल है और इसके अंदर अपनों ने ये पोरोस्पोर्ट है फिलअप और ये अपनी जिंक रोड है और ये क्या होता है इसका प्लस होता है और ये इसका माइनस होता है। तो ये जो अपना प्राइमरी सेल है इसका प्लस कहाँ पे मिल रहा है तो पोटेंशियोमीटर के प्लस वाले पॉइंट से जाके मिल रहा है, यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मिल रहा है और इसका जो माइनस है वो आगे अपना गैल्वेनोमीटर में होता हुआ जो कि में जाके एंड हो रहा है। यहाँ से अपने को क्या करना है, नल रिफ्लेक्शन चेक करना है, यानी कि जो बैटरी है और जो अपना सेल है दोनों के जो पॉजिटिव है वो अपने पोटेंशियोमीटर के स्टार्टिंग पॉइंट में जाके कनेक्ट हो रहे हैं। ये शंट जो लगा हुआ है ये अपना जो प्राइमरी सेल है इसके पैरेलल में लगा हुआ है और इसके सीरीज के अंदर एक की लगी हुई है और फिर यहाँ पे अपन आगे की सप्लाई माइनस से लेते हैं और ये अपनों ने लगा रखा है हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स ताकि अपन जब है ना अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2000 ओम निकाल करके सेफ्टी पर्पज के लिए ताकि अपनी नीडल ब्रेक नहीं हो। तो इसको हम समझ गए, अब अपन प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट चल जाती है और यहाँ पे देख पा रहे हैं मिली एमीटर के अंदर अपनी रीडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे आ रही है 40 और 60 के बीच में, 50 के करीब मिली एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। पास से देख पा रहे हैं तो एमीटर के अंदर कितनी रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप क्लियर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से तो यहाँ देख पा रहे हैं आप 0 और 20 के बीच में 10 डिवीज़न है, यानी एक डिवीज़न की वैल्यू अपने पास 2 मिली एम्पियर हो गई। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 40 और 60 के बीच में अपना 50 आ रहा है, 50 में एक डिवीज़न कम, यानी अपने पास 48 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ अपना शंट नहीं लगा हुआ है तो शंट रेजिस्टेंस हमने हटा रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले ही सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो अपनों ने लगा रखा ये हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स इसके अंदर से हम 2000 ओम निकाल लेते हैं और हम अपोजिट साइड के अंदर देखते हैं कि रिफ्लेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लगा दें इससे अगर कुछ भी नहीं निकालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हल्का सा इसके अंदर चेक करते हैं, अब हम क्या करेंगे इससे चेक करेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है अपोजिट साइड के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी अपना जो कनेक्शन सही है। पास से देख पा रहे हैं जब मैं जोकी को जो है फर्स्ट पॉइंट पे लगाता हूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन और जब मैं लास्ट पॉइंट पे लगाता हूँ तो भी अपना मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आएगा। इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो रहा है अपना अपोजिट साइड के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है। और हम पहले यहाँ पे L1 को देखेंगे, तो L1 को हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं रियोस्टेट की हेल्प से। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है लास्ट वायर या सेकंड लास्ट वायर पर अपनी रीडिंग आए, तो देख पा रहे हैं ये अपनी लास्ट वायर पर रीडिंग आ रही है और तो देख पा रहे हैं लास्ट वाले वायर पे अपना नल रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये कितना है, 950 है और 950 पे अपनी L1 आ गई और इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 रिफ्लेक्शन बता रहा है और अपना वायर कौन सा आ रहा है, लास्ट वायर है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, ये फर्स्ट वाला वायर यहाँ पर हो जाता अपना 100 सेंटीमीटर, उसके बाद ये हो जाता अपना 200 सेंटीमीटर और फिर ये थर्ड वायर चल रहा है तो ये 300, फिर अपना फोर्थ वायर 400, फिर अपने पास यहाँ पे चल रहा है फिफ्थ वायर 500, उसके बाद 600 यहाँ पे हो जाता है 600 सेंटीमीटर, उसके बाद आ जाता है अपना 700 सेंटीमीटर यहाँ पे, उसके बाद 800 और उसके बाद अपना ये 900 यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा मेरा ये 900 और उसके बाद जहाँ पे 1 लिखा हुआ यानी नीचे वाला स्केल तो ये 950, तो यहाँ पे अपना 950 है। तो ये अपना L1 आ जाती है और हमें पढ़ने के लिए दो रूल सिखाए जाते हैं कि अगर अपना 1 है 3 है 5 है, यानी अगर अपना ओड नंबर है तो अपने को ऊपर वाले स्केल से पढ़ना है, अगर इवन नंबर है तो अपने नीचे वाले स्केल से पढ़ना है। तो उससे भी हम देख सकते हैं, ये अपन इस तरह से सिंपली भी स्टार्टिंग पॉइंट से अपन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ 100 सेंटीमीटर हो रहा है, उसके बाद 200 सेंटीमीटर हो रहा है, तो रीडिंग पढ़ने में हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो फर्स्ट रीडिंग मैं नोट कर लेता हूँ कितनी आई मेरे पास, L1 आई 950 और उसके बाद मेरे को क्या करना रहता है, यहाँ पे जो अपने को देख पा रहे हैं ये अपना प्राइमरी सेल है, इसके जो पैरेलल के अंदर एक ही लगी हुई है, इसको हम ऑन करेंगे यानी शंट लगाएंगे
और इधर से हम एक ओम निकालेंगे और हम रीडिंग लेंगे, तो हम चेक कर लेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी अपना ये वाला जो पैरेलल के अंदर हमने सेल लगाया है ये कनेक्शन भी पूरी तरह से सही है, कहीं पे कोई वायर लूज नहीं है, सभी अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम रीडिंग लेते हैं। तो इधर से हमने क्या किया, जो प्राइमरी सेल के पैरेलल के अंदर जो शंट लग रहा है इससे हमने एक ओम निकाला है, तो देख पा रहे हैं यहाँ से अपना एक ओम। और अब हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, ये अपना लगा हुआ है कि, और रीडिंग नोट करते हैं एक ओम के लिए। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रही है ज़ीरो, तो हम इसको देखते हैं तो अपने पास आ रहा है 92, तो 92 सेंटीमीटर आ गई एक ओम के लिए अपने पास। तो इसको हम नोट कर लेते हैं 92 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अब क्या करना है, हमें बार बार जो है L1 को नोट नहीं करनी है क्योंकि L1 चेंज नहीं होगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक ओम के बाद हमें दो ओम निकाल देना है, यानी इधर से दो ओम निकाल के इधर लगा देंगे और पूरे प्रैक्टिकल में अपनी L1 सेम ही रहेगी, हमें सिर्फ L2 नोट करनी है। तो अब हम दो ओम के लिए निकालते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी अपनी बैलेंसिंग लेंथ आएगी, बीच में अपना ओनल डिफ्लेक्शन आएगा और देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रही है, ये अपना ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ गया और ये रीडिंग आ रही है अपने पास सेकेंड वायर पर। तो ये यहाँ पर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे नीचे से, तो कितना आ रहा है, 135 आ रहा है, 135 नोट कर लेते हैं। L2 अपने पास आ रहा है 135 सेंटीमीटर। तो दो ओम के लिए अपने पास बैलेंसिंग लेंथ L2 आई अपने पास 135 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, शंट 3 ओम करते हैं। तो इधर से मैंने एक ओम और निकाल दिया, तो ये टोटली अपने पास हो गया 2 और 1, यानी 3 ओम। अब इसके लिए अपन बैलेंसिंग लेंथ पता करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ हम हल्का हल्का इसको, ज़्यादा दबाना नहीं है अदरवाइज़ अपना जो है वायर छिल जाएगा और उसका जो डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अपनी नल डिफ्लेक्शन आ गया है और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, तो सेकंड वायर है तो मैं नीचे से पढ़ूंगा, तो 177 आ रही है, तो 177 आ रही है। तो थर्ड रीडिंग आ गई अपने पास 177 सेंटीमीटर। और 4 ओम के लिए अपन चेक करेंगे, तो इधर से अपन क्या करेंगे, 2 ओम और निकाल देंगे और 1 ओम को बंद कर देंगे, तो 2 और 2 यानी टोटली अपने पास 4 ओम शंट लगा हुआ है। तो अब अपन बैलेंसिंग लेंथ L2 निकालेंगे और L1 तो पूरे प्रैक्टिकल में सेम ही रहेगी, तो मैं इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो देख पा रहे हैं L1 मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एकदम यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये 0 डिफ्लेक्शन आ गया है, तो देख पा रहे हैं कितने आ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वायर पर यानी अपने ऊपर से पढ़ना है, तो ये अपने पास आ रहा है 13, यानी 213। तो मैं नोट कर लेता हूँ 213 चार ओम पे। अब लास्ट में देख लेता हूँ 5 ओम पे, तो 5 ओम पे यानी इस ओम को भी हटा देता हूँ, 1 ओम को भी, तो टोटली अपने पास रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, 2 और 2 4 और 1 5 ओम। तो अब मैं इसको नोट करने की कोशिश, तो इस तरह से हल्का हल्का हमें इस तरह ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। हाँ, तो ये 0 डिफ्लेक्शन आ गया है और अपने पास बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 1 2 200 और उसके बाद अपना ये 50, तो 250 के करीब अपने पास आ गई है, 250 सेंटीमीटर। तो ये अपनों ने 5 रीडिंग नोट की और पूरे प्रैक्टिकल के अंदर अपने पास बैलेंसिंग लेंथ एक बार ही पता करनी है फर्स्ट में, और बाकी अपने को क्या करना है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम निकाल करके रीडिंग नोट करनी है। और ये जो हमने हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में, तो ये इसकी जो नीडल है उसको सेफ्टी पर्पज के लिए होता है, बाकी पूरा प्रैक्टिकल के अंदर इसके अंदर से कोई भी की अपने को नहीं निकालनी है, यानी ये एक जो है पूरी तरह से यूज़ में नहीं रहेगा, सिर्फ अपने को 1 टाइम यूज़ में रहेगा। और इस तरह से जो है हम कैलकुलेशन करके इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करेंगे। ये जो हमारा सेल बनाया है इसका अगर अपन मल्टीमीटर की हेल्प से वोल्टेज चेक करना चाहें, तो हम इसको DC पे 20 वोल्ट की रेंज में सेट करते हैं, और अगर अपन इसके यहाँ पे नॉब लगाते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये इसका प्लस होता है और जिंक रोड माइनस होती है, तो इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है देख पा रहे हैं, 1.4 के करीब आ रहा है इसका वोल्टेज, और आइडियली इसका 1.5 होता है। तो ये हमारा लेगलांसी सेल है, अच्छा बना है, और अगर हम फ्रेशली जो बनाते हैं तो उसका जो है 1.5 के करीब भी आ जाता है। और इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रखा है 1 मोलरिटी का, यानी 1 मोल हमने डिसोल्व किया है 1 लीटर के अंदर,
और ये अपना पूरा स्पॉट है फिलअप, और इसके अंदर ये ग्रेफाइट की रोड है और ये अपना जिंक रोड है। ये प्लस का काम करेगी, ये माइनस का काम करेगा। तो इस प्रैक्टिकल को इजीली हमने परफॉर्म किया, और आगे हम देखते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस, तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, उसके बाद एमीटर की रीडिंग मिली एम्पियर के अंदर, और पोजिशन ऑफ नल पॉइंट सेंटीमीटर के अंदर हमने नोट किए। तो L1 यानी जब हमने शंट नहीं लगाया है तो पूरा जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर L1 सेम ही रहेगी, और उसके बाद अपनी L2 यानी कि जब हमने शंट लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ को हम बोलेंगे L2, ये भी सेंटीमीटर के अंदर हमने नोट की। और उसके बाद शंट हमने कितना लगाया है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, और उसके बाद अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, तो ये फॉर्मूले से हमने कैलकुलेशन की और फाइनली अपना मीन आता है। तो फर्स्ट रीडिंग को हम फिर से समझते हैं। तो एमीटर के अंदर अपनी रीडिंग सेम ही आ रही थी, 48 मिली एम्पीयर के करीब आ रही थी। तो अपनों ने जो है रियोस्टेट की हेल्प से इसको सेट किया था फर्स्ट रीडिंग L1 को, तो अपनी जो है एमीटर के अंदर रीडिंग और अपनी फर्स्ट रीडिंग सेट हो गई, तो पूरे प्रैक्टिकल में ये सेम ही रहती है। उसके बाद हमने क्या किया था, जो शंट लग रहा था उससे हमने 1 ओम निकाला था, तो अपने पास बैलेंसिंग लेंथ आई थी 92 सेंटीमीटर, और इसको हम कैलकुलेट करने पर अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा था 9.32 ओम। और सेकेंड रीडिंग के लिए हमने क्या किया था, जो शंट से 2 ओम निकाला था तो बैलेंसिंग लेंथ अपने पास L2 आई थी 135 सेंटीमीटर, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले में रख के तो अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस आया था 12.07 ओम। तो देख पा रहे हैं कि जिससे अपन क्या कर रहे हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो सेल है उससे ज़्यादा करंट की सप्लाई हो रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो फिर से देखते हैं अपन थर्ड रीडिंग को। एमीटर की रीडिंग अपने पास आ रही है 48 मिली एम्पियर, और L1 अपनी पूरे प्रैक्टिकल में सेम 950, और अपने पास L2 आई 177 सेंटीमीटर, और हमने निकाला 3 ओम, और इसको कैलकुलेट करने पर अपने पास आया 13.10 ओम। फोर्थ रीडिंग को देखते हैं, तो अपनी एमीटर की रीडिंग और L1 तो सेम ही रहेगा, और अपने पास L2 जो आई थी बैलेंसिंग लेंथ वो आई थी 213 सेंटीमीटर, और शंट अपनों ने 4 ओम निकाला था, और जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है 13.84 ओम। और फिफ्थ रीडिंग को देखते हैं, तो हमने निकाला था 5 ओम, और बैलेंसिंग लेंथ अपने पास L2 आई थी 250, और अपनी L1 थी 950, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास और ज़्यादा आ जाता है, 14 ओम आता है। तो इन सब का जब हम मीन लेते हैं तो अपने पास फाइनली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है 12.46 ओम। यस, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपना फॉर्मूला रहेगा R = L1 - L2/L2 × R। अब यहाँ पर L1 क्या है, अपना बैलेंसिंग लेंथ है जब कोई शंट नहीं लग रहा है, और L2 भी बैलेंसिंग लेंथ है जब हमने शंट लगा रखा है, और R का मतलब शंट हमने कितना लगाया है। तो इन तीनों की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई थी, L1 950, और L2 कितनी थी 92 सेंटीमीटर, और अपने उन्होंने शंट लगाया था 1 ओम, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस आता है 9.32 ओम। और सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं हम, तो L1 सेम ही रहेगी 950, L2 अपने पास चेंज आ रही है 135, और अपने पास शंट था 2 ओम, और कैलकुलेट करने पर अपने पास आया 12.07 ओम। थर्ड रीडिंग के अंदर अपने पास L2 आई 177, और शंट लगाया था अपनों ने 3 ओम, और इसको कैलकुलेट करने पर अपने पास आया 13.10 ओम। और फोर्थ रीडिंग को देखते हैं हम, तो L1 अपनी 950, L2 अपनी 213, और R हमने लिया 4 ओम, और कैलकुलेट करने पर अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है 13.84 ओम। और फिफ्थ रीडिंग की बात करते हैं, तो अपने पास L1 सेम रहेगी, L2 250, शंट लिया अपनों ने 5 ओम, और इसको बोलेंगे हम फिफ्थ रीडिंग के लिए R5, और अपने पास आ रहा है 14.00। और अब हम क्या करेंगे, मीन देखेंगे। तो जो अपने पास 5 रीडिंग आई थी उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करने पर अपने पास आ रहा है 62.33/5, यानी अपने पास मीन निकालने पर आ रहा है 12.46 ओम, यानी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमें मिलता है। तो अपना रिजल्ट क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल इज़ 12.46 ओम। तो इस तरह बड़े आराम से हमने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।